हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। और आज बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ क्योंकि रील्स वगैरह में थोड़ा बिजी रह जाते हैं तो ब्लॉग शूट करना भूल जाते हैं। बट मैं डेली ब्लॉग डालूंगी आज से ताकि आप लोग देख पाओ कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे रहती हूँ, है ना। तो आज मुझे बहुत दिन के बाद फिश खाने का बहुत ही मन हो रहा था। वैसे मैं खाती हूँ बट मेरे पार्टनर को ज़्यादा फिश पसंद है नहीं, तो कभी कभी चलता है। पर चले घर तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि फिश में क्या क्या डलता है और कैसे बनाते हैं। बनाऊंगी मैं ही, आप लोगों को दिखाऊंगी। ओके, आप लोग लाइन पे बने रहिएगा। चलो तेल देते हैं। गाइस देखो, मछली बनाने से पहले कढ़ाई में तेल डालते हैं ऑयल, और मैं थोड़ा ही डालती हूँ क्योंकि गरीब हूँ ना यार, तो इसीलिए डालती। अभी ऑयल गरम हो रहा है, गरम होने के बाद फिर हम फिश डालेंगे इसमें। इसके फ्राई होगा जो तस्वीर घर के पास आइए भाभी और दिखाइए। फ्राई कर हम फिश डाल रहे हैं। कमी तेल में बना रहे हैं, कमी तेल में बना रहे हैं क्योंकि ज़्यादा ऑयल खाना कभी कभी हानि पा रहा था, ऐसा मेरे पास में करते हैं। और है भी कमी ऑयल खाना चाहिए। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे चल रहा है। हमारी स्टेट रेडी हो रही है। हाँ देखो, मैंने सारे फिश जो है कि मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैं इसमें फ्रेश डालूंगी तो पहले मसाले को फ्राई करना है। तो अभी ये सारे मसाले मुझे फिर से चिमटे में पीस लिया है। ला रहा हूँ मैं अंदर का सारे मसाले डाल दिए। ये मेरे मसाले हो रहे हैं फ्राई। हल्दी अब इसमें थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। हल्दी इतना ही देखो, हल्दी डाल दिए। नमक भी अभी डालते हैं क्योंकि थोड़ा जो है कि मसाले में मिक्स हो गए। नमक स्वाद अनुसार भी डालें, फिर ज़्यादा डालेंगे तो फिर खाया ही नहीं जाएगा ना। बाय। नमक भी डाल दिया, हल्दी भी डाल दिए। अब मसाले को तब तक फ्राई करेंगे जब तक थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। ढकना रख दो। इधर आइए। ये देखिए, ये जुगाड़ है भाभी का, थोड़ा इसमें थोड़ा सा छेद पड़ी ताकि ऑयल थोड़ा थोड़ा निकले। ठीक है, बिहार का स्टाइल है भाई, ऐसे ही बचे समझे ना। थोड़ा छेद पड़ी दो तक निकल निकले। देखो गाइस, ये रस जो है वो उबल चुकी है। अब मैं इसमें फिश डालूंगी तो आप लोग देखना। फिर इसमें सारे फिश डालूंगी क्योंकि रस तो पूरा उबल चुकी है। इसमें फिश एक एक करके डाल देंगे। मैं तो सारे ही डाल देती हूँ एक साथ ही। मछली इतने अच्छे से फ्राई हुआ है कि टूट ही नहीं सकती है। इतना रस खाएंगे या तो फिर रोटी के साथ बट अभी मूड ही खाएंगे, मतलब मुरमुरे बिहार के भाषा में बोलता है भुज्जा, भुज्जा साथ मछली। ठीक है, मुरमुरे दिल्ली में बोलता है मुरमुरे, या बट बिहार में मुढ़ी भी बोलते हैं और भुज्जा बोलते हैं। गांव के भाषा से हम लोग बोलते हैं ना भुज्जा, भुज्जा हम खेवे। तो हमारी फिश जो है अभी रेडी हो ही चुकी है बस थोड़ी देर बाद। तो गाइस, मैं अभी ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो आप लोगों को मेरी ब्लॉग अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर करना और आप लोग अपना ध्यान रखना। फिर हम मिलेंगे और वैसे भी डेली भी ब्लॉग डालेंगे क्योंकि सब बोलते हैं, मेरे इंस्टा पर भी बोलते हैं कि आप ब्लॉग शूट नहीं करते हो। तो मैं अब ब्लॉगिंग डेली कुछ ना कुछ डालते रहूँगी, आपसे जुड़ी रहूँगी आप लोगों से। तो अभी के लिए बाय बाय, ध्यान रखना।